जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12 चैप्टर विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आज हम लोग आंकिक उदाहरण यानी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 है उसको देखा जाए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया हुआ है 12.1, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, बल्ब में जो तंतु होता है, तार होता है, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा। तो आपको पता है विद्युत धारा को हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वैल्यू आपको दी गई है 0.5 एम्पियर की। विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, टाइम आपको दिया हुआ है 10 मिनट। तो देखें, क्वेश्चन सॉल्व करते समय समय को हम लोग सेकंड में रखते हैं, तो मिनट को सेकंड में बदलना होगा। और आपको पता है कि एक मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, 60 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 और इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। तो आपसे कहा जा रहा है विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए। क्यू का मान आपसे पूछा जा रहा है, आवेश को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने आपको विद्युत धारा के बारे में बताया था कि ये I = होता है Q/T, और अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो Q = हो जाएगा I * T। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख दें तो I की जो वैल्यू है 0.5 है और T की जो वैल्यू है ये है 600। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो देखें ये 6 × 5 = 30 हो जाएगा। देखिए एक जीरो हटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 60 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 300, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 300 कूलाम। तो इस प्रकार जो फर्स्ट एग्जाम्पल था ये फर्स्ट एग्जाम्पल आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 12 वोल्ट विभवांतर, विभवांतर यानी वोल्टेज भी की वैल्यू आपको दी गई है और ये 12 वोल्ट दिया हुआ है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम का आवेश, देखिए आवेश क्यू की वैल्यू आपको दी गई है 2 कूलाम के आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा W के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आपको हमने वैद्युत विभव के बारे में बताया था कि वैद्युत विभव V = होता है W/Q। आपसे कार्य की ही गणना करने के लिए पूछ रहा है, तो अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो W की वैल्यू निकल जाएगी, W = हो जाएगा V * Q। तो फिर यहाँ से W की वैल्यू निकालेंगे, देखें V की वैल्यू है 12 और Q की वैल्यू है 2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो W = हो जाएगा 24। और कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसका मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी होता है, अगर मात्रक नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा आपका, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। जो भी राशि आपसे पूछा जाएगा उसका मात्रक आप ज़रूर लिखेंगे। तो ये सेकंड एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल का ए पार्ट देखें।
यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु, तंतु का मतलब तार होता है, बल्ब के अंदर जो वायर लगाया गया होता है जो जलता है, तो उसी को हम तंतु कहते हैं। तंतु का प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपको दिया हुआ है 1200 ओम। तो यह बल्ब 220 वोल्ट यहाँ पर विभवांतर दिया हुआ है, और यह दिया हुआ है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, आई का मान आपसे पूछा जा रहा है। आपने ओम का नियम पढ़ा था, और ओम के नियम में आपने पढ़ा था वी बाई आई इज इक्वल टू होता है आर। अब देखें, अगर इनको हम ट्रांसफर कर दें, देखिए आर के जगह पे आई और आई के जगह पे आर कर दें, तो ये हो जाएगा वी बाई आर इज इक्वल टू आई, और आपसे आई की ही वैल्यू पूछी जा रही है। तो हम सॉल्व करते हैं, आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी बाई आर, तो वी की वैल्यू है 220 वोल्ट और आर की जो वैल्यू है ये दिया गया है 1200। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं, एक जीरो से जीरो कटेगा, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 22 अपान हो जाएगा 120। अब इसको अगर कटा करके थोड़ा सा आसान कर दें, हम दो से कटा दें तो ये 11 हो जाएगा, और दो से इसको कटा देंगे तो 60 हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 11/60। अब हम 11 को 60 से भाग दे दें तो यह मान 0.18 लगभग आएगा। आप भाग दे लीजिएगा, भाग देने के बाद जो आएगा उसको लिखिएगा, ये लगभग 0.18 आएगा। और विद्युत धारा है तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो इस तरह से ये जो तीसरे का ए पार्ट था, ये तीसरे का ए पार्ट सॉल्व होता है। अब हम लोग बी पार्ट को देखें। बी पार्ट में देखें दिया हुआ है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली, विद्युत हीटर आप देखे हैं उसमें तार लगा होता है जो जलता है, तो यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध आर की वैल्यू आपको दी गई है, और ये दिया हुआ है 100 ओम, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट पर, देखिए विभवांतर दिया हुआ है 220 वोल्ट पर, स्रोत से कितनी धारा लेगा। यहाँ भी धारा आई का ही मान पूछा जा रहा है कि आई की वैल्यू कितनी होगी, तो फार्मूला वही होगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर होगा। देखें आई इज इक्वल टू वी बाई आर, हम वैल्यू रखते हैं, वी की वैल्यू है 220 और आर की वैल्यू है 100। फिर यहाँ देखें, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 22/10 हो गया। अब 22 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2.2, और विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है, एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से जो थर्ड एग्जाम्पल है, ये थर्ड एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 को देखें। यहाँ दिया हुआ है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर की धारा लेता है, यहाँ पर आई की वैल्यू दी गई है 4 एम्पियर, 4 एम्पियर की धारा लेता है, तो टर्मिनल के बीच विभवांतर भी की जो वैल्यू है वो 60 वोल्ट है। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि जब धारा 4 एम्पियर की है तो वोल्टेज 60 वोल्ट है,
उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा? पूछा जा रहा है कि उस समय कितनी धारा लेगा हीटर, धारा की वैल्यू पूछी जा रही है जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा, यानी विभवांतर 120 वोल्ट कर दिया जाएगा। सुनिए हमारी बात, यह पहले की स्थिति है, जब धारा का मान 4 एम्पियर है तो विभवांतर 60 वोल्ट है, जब ये I1 है तो ये V1 है, और जब वोल्टेज, तो बाद वाले वोल्टेज को हम V2 से रिप्रेजेंट करते रहे हैं, तो धारा जो होगी वो I2 हो जाएगी। आप जरा देखें, ओम के नियम से ही आपको मालूम है कि R = होता है V/I, और जानते हैं वैद्युत प्रतिरोध हमेशा कांस्टेंट होता है। ओम के नियम में आपने देखा है कि V और I का जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पर V1 करें और ये I1 करें तो V1/I1 = R होगा, R कांस्टेंट होता है, और अगर हम V2 कर दें तो V2/I2 = VR होता है। अगर यहाँ दोनों समीकरणों की हम तुलना कर देंगे तो यहाँ दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ हो जाएगा आपका V2/I2, चलिए इसको पहले लिखते हैं, ये हो जाएगा V1/I1 = V2/I2। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, हमको I2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो V1/I2 = V2/I1 हो जाएगा, और हमको I2 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो I2 = V2/I1 / हो जाएगा V1। अब हम यहाँ पर सब वैल्यू रखें, देखें क्या क्या दिया हुआ है। तो I2 = देखें V2 का मान आपको दिया हुआ है 120, I1 का मान दिया है 4, और V1 की वैल्यू दी गई है 60। तो अब ज़रा देखें, 0 से 0 कटेगा, 6 से कटा देंगे 2 हो जाएगा, 6 × 12 हो गया, और फिर 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो यह 8 हो जाएगा, 8 एम्पियर हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा था कि तब धारा का मान कितना होगा, तो धारा का मान 8 एम्पियर होगा, यही हम लोगों का आंसर होगा। तो इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 4 आपको कंप्लीट होता है, और हमें उम्मीद है कि आज ये जो चारों एग्जाम्पल बताए गए हैं, ये चारों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए तथा उसको ऑल पे कर दें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।